एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पार्टी मेकअप लुक, जिसे मैंने की है ग्रीन आईज विद ब्राउन लिप्स। और ये काफ़ी इजी टू रिक्रिएट है, और साथ में क्योंकि न्यू ईयर पार्टी आ रही है तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लुक को किस तरह से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र, और ये है बेबर का, और मैं इससे स्किन को मॉइस्चराइज करी। मॉइस्चराइजेशन ज़रूर करिए क्योंकि विंटर चल रहा है और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये एलोवेरा जेल, ऐसा लगते हैं। मैं अभी एलोवेरा जेल ही यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, और मुझे काफ़ी सूट भी होता है इसलिए, और मैं इससे अपने पोर्स को फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन, और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, और इससे मैं अपनी पूरी स्किन पर लगा लूँगी। फिर मैंने लिया है ये मेबलिन का कंसीलर, और इससे अब मैं अपना आई मेकअप शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे अपनी आई लिड पे लगाऊंगी एज अ बेस, ताकि जो हमारा मेकअप है वो अच्छे से उभर के आए। मैं इसे ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हैं, फिंगर से काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो जाता है ये। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे सील कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रीज ना आए हमारे आई मेकअप में। फिर मैं ये लाइट ब्राउन थोड़ी ऑरेंजिश शेड है ये ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन कलर, और इसे अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी, और क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी, ताकि जो हमारा ग्रीन आई शेडो है उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर पाऊँ। तो ये जो हमारी आईज़ को एक डेप्थ देगा, तो इसे मैं अपनी क्रीज लाइन से हल्का सा ऊपर लगा रही हूँ, और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और ग्रीन कलर ले रही हूँ, और इसे अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी उस ब्राउन कलर के नीचे। और मैं फ्लैट ब्रश इसलिए ले रही हूँ ताकि जब हम ग्रीन कलर की ब्लेंडिंग करें तो ये ब्राउन के साथ मिक्स ना हो ऊपर जाके और फैले नहीं। इसलिए आप फ्लैट ब्रश लीजिए और इससे ब्लेंडिंग करिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जो आपका आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लाइट ग्रीन कलर है और ये मास्क की पैलेट है। उसके बाद मैंने एक और छोटा फ्लैट ब्रश लिया है, और इससे मैं जो ग्रीन कलर है उसे पिक कर रही हूँ, और उसे अपने पूरे आईलेट पे मैं लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना इंटेंस कलर है ये। जो भी प्रोडक्ट है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं सॉरी जो भी प्रोडक्ट है उनके बारे में मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो अच्छे से अपने आईलेट पे इसे लगा लीजिए। फिर वही फ्लैट ब्रश लीजिए, ग्रीन कलर आपको दोबारा नहीं लेना है, लाइट ग्रीन कलर, और उससे आपको ब्लेंडिंग शुरू करनी है। तो ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया है इस ब्रश पे, और वापस से मैं जो ग्रीन कलर है उसे लगा लूँगी। और अब मैंने लिया है ये आई ये मस्कारा, और ये है एसेंस का, और इसे मैं अपनी आई लैशेज पर लगा लूँगी, और मुझे फॉल्सीज लगानी ही है तो मैंने फॉल्सीज लगा ली है। उसके बाद मैं फॉल्सीज की जो लाइन है उसे आई लाइनर से कवर कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आईलाइनर को स्किप कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था ये लुक, तो मैं सिर्फ फॉल्सीज तक लगा रही हूँ, मैं कोई विंग नहीं दूंगी इस लाइनर पे। उसके बाद मैंने ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर लिया है, इसे मैं अपने अंडर आई एरिया और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इसे लगा लूँगी, और विद अ स्पंज मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं एक लूज पाउडर ले रही हूँ, और इससे अपने कंसीलर को मैं पैक कर लूँगी, और मैं थोड़ी सी बेकिंग कर रही हूँ। और इसी बीच में मैं अपनी आई शेडो एक डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो से फिल कर लूँगी। उसके बाद जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसे मैं अलग कर लूँगी, और फिर मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, ताकि कोई भी कलर है वो अलग ना लगे, मतलब सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैंने ये सिवाना की पैलेट ली है, और ये काफ़ी अच्छा डार्क ब्राउन शेड है, कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं, और इससे मैं कॉन्टोर कर लूँगी।
सो आप देख रहे हैं कितना इजी टू क्रिएट लुक है ये। और साथ में अपनी डबल चिन के लिए मैं इसे जॉ लाइन पे भी लगा लूँगी। फिर मैं सेम ग्रीन कलर ले रही हूँ और इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, और साथ में हल्का मैं ब्राउन मिक्स करूँगी इसके साथ ताकि ये डिफ्यूज़ हो जाए। और फिर मैं मस्कारा लगा रही हूँ अपनी लोअर लैशेस पे भी। उसके बाद मैं हल्का सा ब्लश लूँगी क्योंकि हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो मैं बहुत ही हल्का सा ब्लश लगाऊंगी। और सिवाना का हाइलाइटर ले रही हूँ, मैं इसे अपनी चीक्स पे लगा लूँगी और नोज़ पे लगा लूँगी और थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद मैं लिपस्टिक ले रही हूँ मिस क्लेयर की कोकोआ और इसे अपनी लिप्स पे लगा लूँगी। आप चाहे तो लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगा मुझे ब्राउन यूज़ करना चाहिए। सो इस तरह से हम लोग ख़त्म करते हैं इस लुक को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लुक पसंद आया होगा। और अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।